सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। तो गाइस, मैंने देखा कि ऑनलाइन सेलिंग में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। चाहे आप अमेज़न फ्लिपकार्ट कहीं पे भी सेल करो, ये प्रॉब्लम हर जगह आती है। वो होता है मैपिंग का इशू। मान लीजिए आपने एक लिस्टिंग क्रिएट किया, उस पर अच्छे खासे ऑर्डर आने लग गए, और देखते हैं कि कुछ दिन बाद जो कि है एक दूसरा सेलर डूब गया, फिर एक दिन बाद तीसरा सेलर डूब गया, ऐसे कर करके और सेलर वो प्रोडक्ट पर आ जाते हैं बेचने के लिए, और आप कुछ कर भी नहीं सकते उन सेलर का, क्योंकि आप जो कि है खुद वो प्रोडक्ट को जेनरिक में डाल रखे हो या नॉन ब्रांडेड में डाल रखे हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इस केस में क्या किया जाए? तो गाइज, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी कोई लिस्टिंग क्रिएट करते हो तो कोशिश करो कि एक ब्रांड नेम से क्रिएट करो। भले आपके पास ब्रांड नेम रजिस्टर्ड हो या ना हो, पर आप जो भी लिस्टिंग क्रिएट करो, अनरजिस्टर्ड ब्रांड हो चलो चलेगा, पर ब्रांड नेम के अंदर ही करो। कोई भी जेनरिक के अंदर लिस्टिंग क्रिएट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ब्रांड नेम के अंदर लिस्टिंग क्रिएट करने से एक प्रॉफिट होता है कि बाद में जब दूसरे सेलर ढुकते हैं आपके ब्रांड के अंदर सेल करने के लिए, तो बाद में जो कि आप क्लेम कर सकते हो कि ये मेरा ब्रांड है। पर ऐसे क्लेम नहीं होगा गाइज, उसके लिए आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लगता है। तो अगर आपने मान लीजिए पहले से एक ब्रांड ले रखा है जिसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो बाद में जब ज़्यादा सेलर्स ढुकते हैं तो आप जो कि चुपचाप जाकर ब्रांड रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, और आप जो कि है बाद में क्लेम कर सकते हो फ्लिपकार्ट अमेज़न कहीं पर भी कि ये ब्रांड मेरा है, इस पर दूसरे सेलर ढुक रहे हैं। तो दूसरे सेलर को अल्टीमेटली जो कि है वो लिस्टिंग से बाहर कर दिया जाएगा, वो उस पर अकेले आप ही रहोगे। तो इससे क्या होगा कि आपका कंपटीशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको जब भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी लिस्टिंग क्रिएट करो तो अनब्रांडेड प्रोडक्ट के नाम से मत करो। भले अनब्रांडेड आपका प्रोडक्ट हो, पर उस पर भी कोई ब्रांड लगा के आप लिस्टिंग क्रिएट करो, अपना पर्सनल ब्रांड बना लो, और बाद में जो कि है जब वो प्रोडक्ट चलने लग जाए तो वो ब्रांड नेम को आप रजिस्टर करा लो। तो यही प्रोसेस रहता है जिससे जो कि है आप बच सकते हो ये सब मैपिंग के इशू वगैरह से जो कि दूसरे सेलर करते हैं और कंपटीशन आपका बढ़ा देते हैं। तो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो कुछ हेल्पफुल लगा होगा, अगर आपको कुछ समझ में आया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।